हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और यम्मी ओट्स खिचड़ी। ओट्स खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 टेबलस्पून ओट्स, 2 टेबलस्पून दाल, मूंग दाल ली है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, ब्लैक पेपर, जीरा, नमक, आधा कटा हुआ प्याज, आधा कटा हुआ टमाटर, थोड़े से मटर और थोड़ी सी गोभी। तो चलिए अपनी ओट्स खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी थोड़ा गर्म हो गया, आप इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, साथ ही हम इसमें डालेंगे मटर और गोभी। सब्जी हमारी हल्की पक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे नमक जो बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग है और थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे ओट्स और साथ ही इसमें डालेंगे मूंग की दाल। इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को उबाल आ गया है और 2 सीटी आने तक हमें कुकर को बंद रखना है। फ्रेंड्स, खिचड़ी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने पर आप सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे बच्चे को थोड़ा गर्म ही सर्व करें। आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।